क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? कॉफी पसंद नहीं आई? वो किसका नंबर था? कौन सा नंबर? वही जिसे कुछ देर पहले कॉल आ रही थी, उसका पूछ रही हूँ। कोई होगा, इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है? माय सिक्स्थ सेंस टेल्स मी कि कुछ गड़बड़ है और मेरा अंदाजा गलत नहीं होता। चलो माना कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त, किसी लड़की का फोन था। सो व्हाट, लड़की की कॉल आने का मतलब कोई एक थोड़ी होता। और मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि ना मैं उस नंबर को जानता हूँ ना नंबर मिलाने वाले को। तुम्हें टेंशन क्या है? सॉरी, मैंने किसी लड़की का तो नहीं कहा। मुझे क्यों लगता है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो और जानबूझकर छोटी छोटी बातों का इशू बनाते हो ताकि तुम्हारी जान छूट जाए। किसने कहा तुमसे? तुम्हारा लहजा, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें सब चीख चीख के कह रही हैं कि ये रिश्ता तुम्हारे सर पर जबरदस्ती ठूसा जा रहा है। यू नो व्हाट, मुझे लगता है तुमने इस इलेक्शन कैंपेन को अपने सर पे कुछ ज्यादा ही सवार कर लिया है। यू नीड सम रेस्ट। तुम समझते क्या हो, मैं तुम्हारा रवैया बर्दाश्त कर लूंगी? मैं हूरिया दस्तगीर हूँ, चौधरी दस्तगीर की बेटी। तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। ओके ओके, खत्म करें इस बात को अब। माँ, मैंने डॉक्टर से सारी बात कर ली है, कल सुबह ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा और देखना ऑपरेशन के कुछ ही दिन में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कहाँ से लाओगी इतने पैसे? हो जाएगा कहीं ना कहीं से इंतजाम। कहाँ से होगा इंतजाम? माँ कर लूंगी ना कुछ, बल्कि अभी मैं घर के लिए निकलती हूँ, जल्दी जल्दी में फोन ही भूल आई थी। मैं दिलावर साहब को फोन करूंगी, देखना इस मुश्किल वक्त में वो जरूर साथ देंगे हमारा। अल्लाह तुम्हारे इत्मीनान को इसी तरह कायम रखे।